नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका हिंदुस्तान अखबार में आगरा एडिशन में 16 दिसंबर को एक अपडेट आया है उसी के रिगार्डिंग। पेज नंबर 9 पे आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूज़ यही है, रेलवे में रेल कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने की तैयारी। रेल मंत्री पीयूष गोयल रेलवे में सुधार को लेकर बयान। रेलवे चीन के नक्शे कदम पर चल रही है, रेलवे में आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रही है, जो भी जानकारी हो वो डिटेल में आपको मालूम चल जाएगी। ओके, उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो या आरआरबी एनटीपीसी हो, आप परीक्षा आपका टेस्ट सीरीज ले सकते हो। परीक्षा आपका टेस्ट सीरीज में यदि आप कूपन कोड यूज़ करते हैं SS Umang 40, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाता है फ्रेंड्स। और ये कूपन कोड जो है केवल लिमिटेड पीरियड के लिए है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग जल्दी से जा करके इस टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठाएं। और टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं सारे लोग बता चुके हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो न्यूज़ है मैंने हिंदुस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है, देख सकते हैं यहाँ पे epaper.livehindustan.com, यहाँ पे आप लोगों के लिए न्यूज़ है। रेलवे में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने की तैयारी, नई दिल्ली, अरविंद सिंह। ओके, आगरा एडिशन में ये मैंने बता दिया है। सरकार ने रेलवे में सुधार के नाम पर कर्मचारियों की संख्या 50% तक घटाने का प्रस्ताव तैयार किया है। जो भी अभी प्रेजेंट सरकार है उन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें उनका कहना है कि रेलवे में कर्मचारियों की संख्या क्या करेंगे, 50% तक जो है कि घटा देंगे। रेल कर्मियों के लिए आकर्षक लाभप्रद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की जाएगी। मतलब जो भी रेल कर्मचारी है उसके लिए क्या किया जाए, आकर्षक और लाभप्रद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, मतलब खुद से जो है कि रिटायरमेंट लगेगा, ऐसा कुछ योजना लागू की जाएगी। और आउटसोर्सिंग मतलब प्राइवेटाइजेशन को जो है कि बढ़ावा दिया जाएगा, ठेकेदारपन जिसको बोलते हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में भारतीय रेलवे सुधार को लेकर आयोजित कार्यक्रम में यह बात सामने आई है। तो हुआ क्या है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है भारतीय रेल का, उसी में जो मीटिंग में जो है जो उस कार्यक्रम में जो चर्चा हुई है उसी में यह बात सामने आई है। रेलवे का 60% पैसा कर्मचारियों का वेतन भत्ते व पेंशन पर खर्च हो रही है। मतलब रेलवे जितना भी अर्न करता है उसका 60% पैसा जो है वो केवल कर्मचारियों का जो वेतन होता है यानी कि सैलरी होता है, उसका जो भत्ता होता है, अलावेंसेस होता है, उसका जो पेंशन होता है उसके पीछे वो खर्च कर देता है। इसे कम करने की योजना है। तो रेलवे का कहना है कि जैसा कि अभी रेलवे का एक रिपोर्ट भी आया था, रेलवे 100 रुपया कमाने के लिए लगभग 98 रुपीज़ के आसपास खर्च, जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि लगभग, ये प्राइवेट कंपनी होता तो समझिए बंद ही हो जाता, मतलब कि लगभग ये कगार पर है। जो सरकारी कंपनियां की चल रही है उसमें भी ये CAG के रिपोर्ट में आया था कि NTPC जैसी एक कंपनी थी जिसने कि रेलवे को बहुत ज़्यादा, मतलब 40-50 करोड़ के आसपास एडवांस पेमेंट करके रेलवे को ये बचा लिया था कि 98, तो इसका 100 रुपया कमाने के लिए ऐसा भी हो सकता था कि 100 रुपये को भी पार कर देता। ठीक है, विशेषज्ञों का कहना है कि रेलवे चीन के नक्शे कदम पर चल रही है। मतलब जो भी एक्सपर्ट है उनका मानना है कि रेलवे किसके मतलब नक्शे कदम पर चल रहा है, तो चीन के नक्शे कदम पर चल रहा है। चीन में 1,60,000 किलोमीटर रूट पर महज 7 लाख रेलकर्मी ट्रेन चलाते हैं। चीन में टोटल कितना मतलब ट्रैक रूट है, तो 1,60,000, और कर्मचारी मात्र कितना है, तो 7 लाख मतलब कि रेलवे कर्मचारी मात्र है। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मतलब उनका कहना है कि जब चीन में ऐसा है तो भारत में भी ऐसा कर दिया जाए। ठीक है, अभी भारत में 1,07,000 किलोमीटर रूट पर 22,000 ट्रेन मालगाड़ियाँ चलती हैं और 13 लाख कर्मचारी है। देखिए कितना डिफरेंस है, यहाँ पे महज 7 लाख है, यहाँ पे 13 लाख है, मतलब कि सीधा आधा कर, इसीलिए रेलवे का तैयारी योजना है कि सीधा कर्मचारी को घटा करके आधा कर देंगे। ठीक है, रेलवे में 30 साल नौकरी कर चुके अथवा 55 साल आयु के कर्मचारियों पर अनिवार्य असामयिक सेवानिवृत्ति की तलवार पहले ही लटकी हुई, जैसा कि इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पहले अपडेट दिया था कि ये वाला ऑलरेडी रूल पहले ही जो है कि लटका हुआ है सारे कर्मचारियों की तलवार, या तो 30 साल नौकरी या तो फिर 55 साल एज। ठीक है, SAC व डी श्रेणी के कर्मचारियों का डाटा तैयार किया जा रहा है। तो जो भी ग्रुप सी व ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनका डाटा जो है कि तैयार किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में। और जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो NTPC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जान लो आपके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो भी कर्मचारी को निकाला जाएगा तो वो जो रिटायरमेंट के कगार पर दिया, जो ऑलरेडी डिप्लॉयड कर्मचारी उनको निकाला जाएगा, या अभी जो 1 से 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है होपफुली उसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग अपने तैयारी को पूरा मन लगा करके करते रहे। आप लोगों के जैसे कि DRM सर का हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था, वो इंटरव्यू जाकर के देख लिया, उसमें प्राइवेटाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, कर्मचारियों पे क्या फर्क पड़ेगा उन्होंने उसको भी अच्छे से समझाया। उस एप्लीकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो अपना राय आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।